अगर तुम में हिम्मत है ना, तुम में जिगरा है ना, जिगरा तो नहीं होगा खैर, क्योंकि तुम निचले स्तर के कायर लोग हो, कम टू एचएसएफ, बिकम अ मेंबर, रजिस्टर करो एचएसएफ में, मैं तुम्हें। तो अगर इतना ही जेनेटिक्स वाले हो ना, इतनी एस्थेटिक को, तो 3 हफ्ते बाद शेरू क्लासिक हो रहा है, मेंस फिजिक में खेल रहा हूँ, जिससे मैं दम हो ना, जो अपने आप को समझता हो कि बहुत तगड़े जेनेटिक्स है, हम नेचुरल है, इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई हमने, तो आ जाना और बता देना। ऑल राइट गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईएबी प्रो रवनीत सिंह भाई की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, काफी टाइम के बाद में इन्होंने अपनी एक छोटी सी फिजिक अपडेट हम सभी के साथ में शेयर की है, जिसमें आप इनकी बैक की कंडीशनिंग देख सकते हो, बहुत ही वाइड होने के साथ साथ थिकनेस ऑन पॉइंट दिखा रही है। एंड प्रेजेंट में इनकी बैक तो भाई बहुत ही खतरनाक दिख रही है अपडेट्स में। इसके बाद में आप इनकी फ्रंट अपडेट को भी नोटिस कर सकते हो कि रवनीत भाई बहुत ही बढ़िया शेप में नजर आ रहे हैं, कंडीशनिंग भी बढ़िया एंड सभी मसल्स पॉप कर रही हैं। इनके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रवनीत भाई इस साल कॉम्पीट करने वाले हैं दिल्ली प्रोसो में। तो देखते हैं यहाँ पर एक कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं। एंड दोस्तों, इनके बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या इस साल टॉप 5 में प्लेस हो पाएंगे या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे संग्राम क्लासिक की कुछ अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पीट किया था हमारे हिमांशु शर्मा भाई। तो गाइस, यहां पर हिमांशु शर्मा भाई ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है, तो आप सभी इनके लिए कमेंट में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखें। इसके बाद में आप देख सकते हो कि हिमांशु शर्मा भाई ऑन स्टेज कैसे दिख रहे थे। इन्होंने संग्राम क्लास में जो पैकेज दिखाया है, वो भाई इनकी लैब का सबसे बेस्ट पैकेज है, बिकॉज इस बार हिमांशु भाई ने साइज के साथ साथ कंडीशनिंग दोनों ही ऑन पॉइंट रखी है ऑन स्टेज। तो गाइस, इनके साथ ही हम बढ़ते अपने अगले बॉडी बिल्डर की अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप इस लाइनअप में नोटिस कर सकते हो सभी बॉडी बिल्डर्स बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं, जिनमें खुराई लखपा, श्रेडेड जस्सी एंड अभिषेक सिंह भाई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों ही बॉडी बिल्डर्स के मेडल्स लगे हैं, जिनमें गोल्ड जीता है श्रेडेड जस्सी भाई ने, क्योंकि दोस्तों इनके नाम की तरह ही इनकी बॉडी यहाँ पर बहुत ही श्रेडेड नजर आ रही थी एंड इनके लेग्स बिगर होने के साथ साथ सेपरेटेड थे। तो फ्रेंड्स, ये थी संग्राम क्लासिक के कुछ एथलीट्स की अपडेट्स। इसके बाद में संग्राम क्लासिक के ओवरऑल टाइटल के लिए फाइट होने वाली है, तो यहाँ पर ओवरऑल टाइटल कौन जीतेगा उसकी अपडेट आपको अगली वाली वीडियो में मिल ही जाएगी। तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके बाद हम बात करेंगे रोहित खत्री भाई की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा प्रेजेंट टाइम में रोहित भाई नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जिसमें जीत चला सर ने नेटिव बॉडी बिल्डर्स को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है, तो शायद उसी के रिप्लाई में रोहित खत्री भाई ने कुछ बातें कही है। तो आप पहले जीत चला सर द्वारा कही कुछ बातों को सुन लीजिए। और मैं आज इन सारे फेक नेटिव को एक और चैलेंज देता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है ना, तुम में जिगरा है ना, जिगरा तो नहीं होगा खैर, क्योंकि तुम निचले स्तर के कायर लोग हो, कावड़ हो, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी जिगरा है, अपने आप को प्रूफ करवाना चाहते हो ना, तो कम टू एचएसएफ, बिकम अ मेंबर, रजिस्टर करो एचएसएफ में, मैं तुम्हें रैंडमली टेस्ट करूंगा साल में कभी भी टेस्ट करूंगा तुमको, तब तुम्हारी हैसियत पता चलेगी कि तुम सच में नेचुरल हो। ये जो ढिंढोरा पीटते हो, ये जो 65-65 किलो के नेचुरल एस्थेटिक वाले बन रहे हैं ना, मेरे रील के कमेंट में आके कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया बॉडी बिल्डिंग में, हम तो नेचुरल है, हमने इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई। तो अगर इतना ही जेनेटिक्स वाले हो ना, इतनी एस्थेटिक हो, तो 3 हफ्ते बाद शेरू क्लासिक हो रहा है, मेंस फिजिक में खेल रहा हूं, जिसमें दम हो ना, जो अपने आप को समझता हो कि बहुत तगड़े जेनेटिक्स है, हम नेचुरल है, इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई हमने, तो आ जाना और बता देना। और बात रही इंजेक्शन की, जो बोलोगे ना पूरे साल वो दूंगा, जीत के दिखा देना कभी, ये जो अमेचर ओलंपिया हो रहा है मुंबई में या शेरू क्लासिक, ये प्रो शो और ओलंपिया तो भूल ही जाओ। इनके बाद में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क प्रो की क्लासिक डिवीजन 212 डिवीजन एंड मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के विनर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत कैटेगरी क्लासिक डिवीजन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर कॉम्पीट किया था माइकल डबुल ने एंड इन्होंने अपने हार्ड मसल्स एंड क्रिस्पी कंडीशनिंग के दम पर इस शो को जीत लिया एंड क्वालिफाई कर गए इस साल के ओलंपिया के लिए। एंड गाइज, ये इनकी 5th विन है अब की बार। तो गाइज, आप यहां पर देख सकते हो कि माइकल डबुल पहले से बिगर एंड शार्प होकर आए थे। आप यहां के लेग्स में देख सकते हो कितनी बढ़िया सेपरेशन एंड डिटेलिंग शो कर रहे हैं। और भाई, इस पोज को देखकर लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी बॉडी में थोड़ा और साइज गेन कर लिया तो क्रिस बमस्टर को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल एंड इनकी बॉडी का शेप बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। तो फाइनली अब ये क्वालिफाई कर गए ओलंपिया के लिए। अब देखते हैं ये कैसा वर्जन दिखाते हैं ओलंपिया के स्टेज पर। एंड दोस्तों, इनके बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या इस साल ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर पाएंगे नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे 212 डिवीजन के विनर के बारे में। तो दोस्तों, इनका नाम है कैरेथ विजो और भाई इनकी कंडीशनिंग
सभी बॉडी बिल्डर्स को डोमिनेट एंड सभी फैंस को शॉक कर दिया, क्योंकि दोस्तों कैरिथ विजो को पहले किसी ने भी इतनी हार्ड कंडीशनिंग एंड मैच्योर मसल्स के साथ नहीं देखा था। एंड यहाँ पर तो अब की बार इनकी बॉडी का शेप पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा था एंड मसल्स में जो फुलनेस थी वो बहुत ही इंप्रेसिव लग रही थी। ये मान लो कि इस साल के न्यूयॉर्क प्रोशो में कैरिथ विजो की लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको इनकी ये बॉडी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। इनके बाद हम बात करेंगे मेंस ओपन डिविजन की अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स इनका नाम है टोनी दे बर्टन। तो गाइस ये भी अब की बार यहाँ पर इनक्रेडिबल कंडीशनिंग एंड बेस्ट शेप में नजर आए थे। इस साल इनकी सभी मसल्स बैलेंस थी एंड सभी मसल्स बैलेंस राउंड राउंड थी। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इनके लेग्स कितने खतरनाक दिख रहे हैं। बात करें के लेग्स की तो भाई ये पूरी पंख की तरह बाहर निकल कर आ रहे हैं। चेस्ट में हार्डनेस क्लियर विजिबल हो रही है। इनकी बैक भी पूरी तरीके से डेंसिटी एंड थिकनेस शो कर रही थी। ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग भी टाइट थे। तो दोस्तों ये था टोनी दे बर्टन का बेस्ट पैकेज इस साल का। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और भाई अब की साल से ये मेंस ओपन डिवीजन में फेमस बॉडी बिल्डर हो गए हैं और इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया ओलंपिया के लिए। तो देखते हैं ओलंपिया में अब की बार टॉप 10 में अपनी जगह बना पाते हैं नहीं। और आपको इनकी ये फिजिकल अपडेट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।